सो हे व्हाट इज अप एवरीवन, दिस इज अमन एंड यू आर वाचिंग सोइंग फ्रेटवर्क्स। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अकूस्टिक गिटार के स्ट्रिंग्स के बारे में। तो वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो पूरी लास्ट तक देखिएगा और बीच में स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। सो लेट्स मूव इनटू द वीडियो। सो ये वीडियो बेसिकली उन बिगनर गिटारिस्ट के लिए है जिनको नहीं पता कि स्ट्रिंग्स कितने टाइप्स की होती हैं और कौन से स्ट्रिंग उनके लिए सुटेबल है, उनकी गिटार के लिए कौन सी स्ट्रिंग सुटेबल है। तो आज इस वीडियो में ये सारी कन्फ्यूजन्स दूर होने वाली हैं, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रिंग के कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से बेसिस पे आप उन स्ट्रिंग्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, आपके गिटार पे कौन सी स्ट्रिंग इजिली परफॉर्म करेगी, सबसे बेस्ट साउंड कौन सी स्ट्रिंग करेगी। तो ये सारी चीजें आज मैं क्लैरिफाई करने वाला हूँ। सो वीडियो में बने रहिएगा आगे तक और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप। Let's move on to the video. So basically, तीन क्राइटेरिया हैं जिनके बेसिस पे स्ट्रिंग्स को डिफरेंशिएट करूंगा आज मैं इस वीडियो में। मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट क्राइटेरिया, प्राइस। काफी सारे लोगों को लगता है प्राइस से क्या फर्क पड़ता है, स्ट्रिंग्स तो एक ही टाइप की होती हैं। लेकिन ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि ज्यादा महंगी स्ट्रिंग्स में क्या फायदे होते हैं और एकदम चीप क्वालिटी स्ट्रिंग्स जो 100-200 की आ जाती हैं उनमें क्या ऐसे ड्रॉबैक्स होते हैं जो आपके गिटार को खराब कर सकते हैं और आपको ऐसे पता भी नहीं चलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज, किस टाइप का गिटार है आपके पास। तो अगर आपके पास काफी सस्ता वाला गिटार है, मतलब 1000 या फिर 2000 तक का गिटार है अगर आपके पास, तो उस पे तो कोई भी बेसिकली स्ट्रिंग चल जाएगी। काफी अगर आप सस्ती भी स्ट्रिंग लगा देते हैं, 100-200 वाली जो स्ट्रिंग्स मिलती हैं, वो स्ट्रिंग्स उस गिटार पे भी सुटेबल होंगी। और आप अगर थोड़ा हाई लेवल की स्ट्रिंग्स, हाई प्राइस की स्ट्रिंग्स लगा देते हैं उस गिटार पे, तो वो भी बेसिकली उस पे बच जाएंगे। तो इतना कोई इशू नहीं है स्ट्रिंग्स का। बट द पॉइंट इज दैट कि आपका जो गिटार है वो उतना अच्छा साउंड नहीं करेगा अगर आप उसमें चीप स्ट्रिंग भी लगा देते हैं। तो साउंड पहली बात तो बहुत ही ज्यादा लो आएगी, दूसरी बात उतना ब्राइट साउंड नहीं आएगी, डल साउंड आएगी और कभी कभार बज भी हो सकता है गिटार। तो ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन फॉर द बिगनर्स आई रिकमेंड यू टू परचेज ओनली द लो प्राइस स्ट्रिंग्स विच कम अराउंड 100 to 200 rupees। दूसरे टाइप के बिगनर्स वो होते हैं जिनके पास गिटार काफी महंगा टाइप का होता है, 7000, 10000, 12000 अराउंड इतने प्राइस का होता है जिनके पास गिटार। उनके लिए स्पेशली मैं रिकमेंड करूंगा कि आप थोड़े से ज्यादा प्राइस के स्ट्रिंग्स खरीदिए, क्योंकि आपका गिटार उतना कंपैटिबल नहीं है चीप स्ट्रिंग्स के साथ जितना वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव स्ट्रिंग्स के साथ है कंपैटिबल। कि आप थोड़ा सा प्राइस अपना इंक्रीज कर सकते हैं, 400, 500, 600 के अराउंड आप अपनी स्ट्रिंग्स का प्राइस रखिए। द बेस्ट स्ट्रिंग आई रिकमेंड यू फॉर योर गिटार, जस्ट लाइक माई गिटार, ये मेरा गिटार है बेसिकली वॉशबर्न का, तो मैं इसके लिए अपना स्ट्रिंग्स का पैक लाता हूँ, डी एडेरियो की स्ट्रिंग्स बेसिकली मैं खरीदता हूँ। तो आई रिकमेंड यू ऑल्सो टू परचेज द स्ट्रिंग, उस स्ट्रिंग का बेसिकली मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं स्ट्रिंग। काफी अच्छे स्ट्रिंग्स बेसिकली बनाते हैं वो लोग। तो आगे बढ़ेंगे गिटार बजाने के तरीके की तरफ। तो कुछ लोग बेसिकली बजाते हैं गिटार फिंगर पिकिंग करते हैं, कुछ लोग टैब्स बजाते हैं, कुछ लोग काफ़ी हार्ड स्ट्रमिंग करते हैं। तो इन लोगों के लिए आई प्रिफर कि आप थोड़ी सी मिड रेंज की तरफ ही रहिएगा, इधर 400 या फिर 500 इतने की स्ट्रिंग्स आप बेसिकली परचेज कीजिए। और आगे अगर बढ़ें, जैसे कि आप फिंगर स्टाइल बजाते हैं या फिर आपका गिटार कोई भी एक विंटेज गिटार है, जैसे मेरा तो ये नहीं है विंटेज गिटार। विंटेज गिटार मींस जो भी पुराने गिटार्स आते हैं, काफ़ी एंटीक थोड़े से होते हैं, एक्सपेंसिव गिटार्स होते हैं, उनके लिए आई रिकमेंड कि आप थोड़ी महंगी स्ट्रिंग्स खरीदिए। जैसे कि एलेक्जियर की स्ट्रिंग हो गई, तो थोड़ी सी ज़्यादा प्राइस की आती है, अप्रॉक्स 5000 की रेंज में आती है ये स्ट्रिंग्स, लेकिन आपके गिटार के साथ काफ़ी अच्छे से मैनेज कर पाएंगी ये स्ट्रिंग्स, क्योंकि सस्ती स्ट्रिंग से आपका गिटार खराब होने के चांसेस हैं। और वहीं बात करें अगर आप अगर फिंगर स्टाइल बजाते हैं, तो अगर आपकी स्ट्रिंग्स थोड़ी सी एक्सपेंसिव होंगी तो उससे थोड़ी अच्छी साउंड आएगी, साउंड क्वालिटी अच्छी होगी, उस पर रस्ट नहीं लगेगा। ये सारी चीज़ें होती हैं अगर आप एक्सपेंसिव थोड़ी स्ट्रिंग्स खरीदते हैं। तो ये था फर्स्ट पॉइंट प्राइस का। तो हम लोगों का सेकंड पॉइंट है बेसिकली द गेज। गेज और आप कह सकते हैं थिकनेस ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग्स बेसिकली अलग अलग थिकनेस की आती हैं। कुछ स्ट्रिंग्स बहुत ही ज़्यादा पतली होती हैं, कुछ स्ट्रिंग्स बहुत ही ज़्यादा मोटी होती हैं। अब आप में से कुछ लोग ये सोचेंगे कि एक ही गिटार में पतली मोटी स्ट्रिंग्स यहाँ से पतली शुरू होती हैं या मोटी लग जाती हैं, तो एक ही गिटार में लग जाती हैं अलग अलग की स्ट्रिंग्स। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूँ कि मैं इस बेसिस पे डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ कि एक ही स्ट्रिंग को लेके चलते हैं। जैसे कि ई स्ट्रिंग हम लोग लिए हैं, तो इसमें ही आपको पतला और मोटा रेंज देखने को मिल सकता है। जैसे कि ये जो मेरी गिटार में अभी स्ट्रिंग लगी है, ये 12S या फिर कह लो 0.012 गेज की स्ट्रिंग लगी है बेसिकली। इसको कहेंगे बेसिकली आप ना तो ज्यादा बहुत ही ज्यादा लाइट, ना बहुत ही ज्यादा हैवी, ये बेसिकली एक मिडिल में आती है याली इस गॉज की स्ट्रिंग्स। तो बेसिकली अलग अलग थिकनेस की स्ट्रिंग आती तो है, लेकिन अब हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सी स्ट्रिंग कितने थिकनेस की है। तो बेसिकली आप अगर नोटिस करेंगे तो आपको पैकेट पे
स्ट्रिंग का जो पैकेट होता है उस पे आपको लिखा मिल जाएगा कि कितने गेज की स्ट्रिंग है ये, तो फिर से उन्हीं बातों की तरफ बढ़ेंगे बेसिकली। अगर आपका गिटार थोड़ा सस्ता है तो आप उस पे लाइट गेज की स्ट्रिंग लगा सकते हैं, मतलब कि पतली स्ट्रिंग्स लगा सकते हैं। इसलिए इससे क्या होगा कि आपका गिटार काफ़ी लंबे समय तक चल सकेगा, क्योंकि ज़्यादा अगर आप मोटी स्ट्रिंग्स लगाएंगे तो उससे सबसे पहले तो गिटार पे टेंशन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और उसका ब्रिज निकल सकता है, या फिर उसके नेक में अगर थोड़ी प्रॉब्लम है तो वो और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो आपका गिटार अगर सस्ता है तो आप उस पे लाइट गेज की स्ट्रिंग लगाइए। तो सबसे लाइट गेज की स्ट्रिंग आती है 0.09, तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं, या फिर 0.010 की भी आप प्रेफर कर सकते हैं, मतलब 10S की भी स्ट्रिंग आप प्रेफर कर सकते हैं। तो अगर आपका गिटार थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का है, जैसे कि मेरा ये वाला गिटार है, ये अप्रॉक्स 8000 का गिटार पड़ा था मुझे, तो इस तरह की गिटार पे आप बेसिकली हायर गेज की स्ट्रिंग लगा सकते हैं। तो हाई गेज की स्ट्रिंग बेसिकली होती है, जैसे कि मेरे इसमें 12S की लगी है स्ट्रिंग, इसके आगे आप बढ़ेंगे 14 तक जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं गिटार बजाने के तरीके पे। तो आप अगर फिंगर पिकिंग करते हैं या फिर कोई हार्ड स्ट्रमिंग करते हैं तो आपको हैवी गेज की तरफ जाना चाहिए, मतलब कि ज़्यादा थिक स्ट्रिंग की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि हार्ड स्ट्रमिंग से क्या होता है कि आपकी स्ट्रिंग टूटने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। तो अगर स्ट्रिंग मोटी होगी तो वो जल्दी नहीं ब्रेक होगी और उसकी साउंड भी काफ़ी अच्छी आएगी हार्ड स्ट्रमिंग वगैरह पे, और साथ में फिंगर पिकिंग की भी। अगर आप फिंगर स्टाइल बजाते हैं, आई सजेस्ट यू कि आप लाइट गेज की स्ट्रिंग लीजिए, क्योंकि उससे काफ़ी क्या होता है ना कि ब्राइट साउंड आती है, बहुत ही ज़्यादा ऐसे खुल के साउंड आती है, निखर के साउंड आती है, तो वो आपके फिंगर स्टाइल को और भी ज़्यादा अच्छा बना सकती है। और बेसिकली अगर आपका गिटार विंटेज है, कोई पुराना गिटार है, तो आप उस पर लाइट गेज की स्ट्रिंग लगाइए। अगर आप हैवी गेज की लगा देंगे तो फिर से वही बात कि वो पुराना है इसलिए वो निकल आएगा उसका ब्रिज नेक विक, जैसे मैंने बता ही दिया था पहले ही। सो इन द लास्ट एक मेरी टिप ये है गेज को लेके कि आप अपने गिटार पे अपना गेज बार बार चेंज मत कीजिए, क्योंकि ऐसे करने से आपका क्या होगा कि एक्शन आपका चेंज हो सकता है। एक्शन बेसिकली क्या होता है, जो आपकी स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग और फ्रेटबोर्ड के बीच का जो गैप होता है ना, थोड़ा सा गैप जिसे आप बेसिकली कवर करते हैं अपनी फिंगर से दबा के, तो वो जब आप दबाते हैं तो स्ट्रिंग टच हो जाती है फ्रेटबोर्ड से, तो वो जो गैप होता है ना वही होता है एक्शन। तो आप अगर अपनी स्ट्रिंग का गेज बार बार बदलेंगे तो एक्शन क्या होगा ना, कम ज़्यादा इस तरह से होगा, तो आपको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी फिर बजाने में आगे, और आपकी उंगलियाँ एक हैबिचुअल नहीं हो पाएंगी, एक हैबिट नहीं डेवलप कर पाएंगी गिटार बजाने के लिए। तो आई रिकमेंड यू, अगर आपको गेज चेंज करना है तो आप या तो एक नया गिटार खरीद लीजिए या तो आप उसी गेज की स्ट्रिंग पे बजाइए, क्योंकि धीरे धीरे आप हैबिचुअल हो ही जाएंगे। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है बेसिकली जिसे हम लोग अडॉप्ट ना कर पाए, वी आर ह्यूमन बींग्स गाइस। तो आई थिंक कि इन दो पॉइंट से ही बेसिकली सारा कवर हो गया कि आपको कौन सी स्ट्रिंग खरीदनी चाहिए अपने गिटार के लिए और कौन सी नहीं। लेकिन आगे एक थर्ड पॉइंट, जैसे कि मैंने कहा था तीन कैटेगरीज पे मैं बताऊंगा, तो एक लास्ट वाला जो पॉइंट है उतना ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन उसका थोड़ी बहुत वैल्यू है। जैसे कि आप थोड़ा एडवांस अगर बजाते हैं तो आपको ये चीज़ समझने की थोड़ी ज़रूरत है कि जो स्ट्रिंग का मटेरियल है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, कि कौन से मटेरियल से बेसिकली स्ट्रिंग बनी है। तो काफ़ी सारे अलग अलग मटेरियल की स्ट्रिंग्स आती हैं मार्केट में, तो एक मटेरियल वजह से हो गया ब्रॉन्ज, एक होता है फॉस्फर ब्रॉन्ज, एक होती है ब्रास की स्ट्रिंग्स, तो बेसिकली ऐसी एक दो और स्ट्रिंग्स होती हैं, तो इनसे भी काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं आपके गिटार बजाने के तरीके में, क्योंकि ये सारी स्ट्रिंग्स अलग अलग साउंड्स प्रोड्यूस करती हैं। जैसे कि ब्रास में आपको काफ़ी ज़्यादा ब्राइटर साउंड दिख सकती है और फॉस्फर ब्रॉन्ज काफ़ी डल साउंड देता है। तो बेसिकली आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस मटेरियल के साथ आपको किस तरह की साउंड मिल सकती है, तो इट्स अप टू यू ब्रो कि आपको कौन सी स्ट्रिंग चूज करनी है। सो गो अहेड, चूज योर डिजायर स्ट्रिंग ब्रो। तो इस वीडियो के लिए रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी क्वेरी अगर होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन में, उसका डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। और आपको अगर मुझे फॉलो करना होगा तो आप इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर कर सकते हैं फॉलो, मैंने अभी तक ट्विटर पर अकाउंट नहीं बनाया है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तो टिल देन स्टे सेफ स्टे हैप्पी, बाय बाय गाइज।